बड़ी खबर दिल्ली के मौसम को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आज सुबह सुबह भी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में अच्छी बरसात के बाद जलमग्न दिखाई दी। जहां एक और सुबह की बारिश ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं यह आफत बनकर भी बरस रही है। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव के चलते खासी दिक्कत आई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा बारिश का दौर 24 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। बता दें कि सुबह सुबह अच्छी बरसात के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी देखा गया। इनमें राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, आश्रम ब्रिज, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, मंगी ब्रिज, मिंटो ब्रिज शामिल रहे। यहां से गुजरने वाले वाहनों को पानी भरने के चलते खासा परेशानी झेलनी पड़ी। हाल ये रहा कि मिंटो ब्रिज में ज्यादातर पानी भरने से एक ऑटो ही डूब गया। आज बादल छाने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि आज से लेकर 25 अगस्त तक की बात करें तो बादल छाने के साथ लगातार बारिश हो सकती है। तो जिस तरीके से दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर भी बरस रही है। कई तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां चंद बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। बड़ी खबर दिल्ली के मौसम को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आज सुबह सुबह भी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में अच्छी बरसात के बाद जलमग्न दिखाई दी। जहां एक और सुबह की बारिश ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं यह आफत बनकर भी बरस रही है। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव के चलते खासी दिक्कत आई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा बारिश का दौर 24 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। बता दें कि सुबह सुबह अच्छी बरसात के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी देखा गया। इनमें राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, आश्रम ब्रिज, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, मंगी ब्रिज, मिंटो ब्रिज शामिल रहे। यहां से गुजरने वाले वाहनों को पानी भरने के चलते खासा परेशानी झेलनी पड़ी। हाल ये रहा कि मिंटो ब्रिज में ज्यादातर पानी भरने से एक ऑटो ही डूब गया। आज बादल छाने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि आज से लेकर 25 अगस्त तक की बात करें तो बादल छाने के साथ लगातार बारिश हो सकती है। तो जिस तरीके से दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर भी बरस रही है। कई तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां चंद बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।